हेलो बच्चों, आज हम आपके क्लास सिक्स की इंग्लिश की बुक से पहला चैप्टर जो कि माय मदर नाम है, पोयम है, उसका चौथा पैराग्राफ से शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले का जो तीन पैराग्राफ है हम लोग इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं चौथे पैराग्राफ से। पोएट लिखते हैं, एंड कैन आई एवर सीज टू बी, और क्या मैं कभी खुद को रोक सकता हूँ होने से। सीज मतलब रोकना, टू बी मतलब होने से, ठीक है। क्या मैं खुद को कभी रोक सकता हूँ क्या होने से बच्चों, तो अफेक्शनेट एंड काइंड टू डी। डी आया है माँ के लिए, माँ के प्रति। अफेक्शनेट मीन्स प्यारा दुलार, और काइंड मीन्स दयालु। तो क्या मैं खुद को कभी रोक सकता हूँ आपके प्रति प्यारा दुलारा होने से, आपके प्रति दया और प्यार दिखाने से। हु मीन्स जो, यहाँ हु का मतलब होगा जो। हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, जो मेरे लिए बहुत दयालु थी। कौन दयालु थी बच्चों, तो माई मदर, मेरी माँ। इसका सारांश हुआ, इसका हिंदी मतलब हुआ कि क्या मैं कभी खुद को रोक सकता हूँ तुम्हारे प्रति दया और प्यार दिखाने से, जो बचपन से मेरे लिए बहुत दयालु रही हैं, माई मदर, मेरी माँ। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड्स का मैंने यहाँ वर्ड मीनिंग लिख दिया है, उनका प्रोनंसिएशन कैसे उच्चारण होगा उसके साथ यहाँ पे लिख दिया, आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पांचवें पैराग्राफ की तरफ। लिख रहे हैं, आह नो द थॉट आई कैन नॉट बियर। आह नो का मतलब अरे नहीं, द थॉट, थॉट का मतलब होता है विचार, सोच। ठीक है, यहाँ देख लीजिए थॉट का मतलब लिखा हुआ है, यह सोच यह विचार मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट बियर, बियर मतलब सहना। अरे नहीं, यह विचार मैं सहन नहीं कर सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पोएम बोल रहे हैं कि एंड इफ़ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी बख्श दें ताकि मैं अपनी माँ का सेवा देखभाल कर सकूँ। एंड इफ़ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, भगवान कृपया मेरी लाइफ मतलब मेरा जीवन बख्श दे, क्यों कि मैं आशा कर सकूं कि मैं आई शैल रिवॉर्ड दाई केयर, मेरा जिंदगी बख्श दे ताकि मैं उनकी, दाई आया है माँ के लिए, टी एच वाई, केयर मतलब देखभाल, रिवॉर्ड मतलब इनाम दे सकूं कि उन्होंने जो मेरा देखभाल किया है तो बुढ़ापे में मैं उनका देखभाल कर सकूं, उनका वो इनाम लौटा सकूं उनकी सेवा करके। किनका, तो माई मदर, मेरी माँ का। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जीवन बचाए रखें, ठीक है, मेरी माँ के लिए। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड्स का मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट मीनिंग वर्ड्स का देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये है छठा स्टैंजा, लास्ट पैराग्राफ है। इसमें कवि लिख रहे हैं, When thou art old, feeble and grey. When मतलब जब, THOU, thou मतलब तुम, यहाँ माँ के लिए thou इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया है। जब तुम old मतलब बूढ़ा बुजुर्ग, feeble मिस कमज़ोर, grey मिस बूढ़ा, बुढ़ापा जब आ जाता है तो उसको grey बोलते हैं। When you, जब तुम बूढ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर हो जाओगी, my healthy arms shall be thy stay. मेरी स्वस्थ बाहें, मेरी मजबूत बाहें तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगी, तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। एंड आई विल सूथ दाई पेंस अवे, और मैं आपको दर्द से हमेशा राहत दिलाऊंगा। पेंस अवे मतलब दर्द दूर भगाना, दर्द से राहत देना, सूद मतलब राहत। ठीक है, मैं आपको दर्द से हमेशा राहत दूंगा, माई मदर, मेरी माँ। इसमें बोल रहे हैं कवि, इसका हिंदी मतलब हुआ कि जब भी माँ आप कमज़ोर बूढ़ी बुजुर्ग हो जाइएगा तो मेरी मजबूत बाहें हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपका ख्याल रखेंगी, आपको दर्द से दूर भगाएंगे, मेरी माँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है माय मदर पूरा पहला लेसन। इसका भी वर्ड मीनिंग, जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है इसका वर्ड मीनिंग यहाँ मैंने लिख दिया है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। राइमिंग वर्ड्स साथ ही लास्ट में देख लीजिएगा, मिलता जुलता जो शब्द है, ग्रे, स्टे, अवे, ये पोएम में होता है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने माय मदर जो चैप्टर है उसका पूरा 6 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया आपने देखा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।